तुम पर नजर तो हमारा पत्थर वाला आंख ने भी रखा था। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी, खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म पांडे, बच्चन पांडे के ट्रेलर के क्विक रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 10:40 पर नडियाड वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर इसका ट्रेलर आया है। ये इसका क्विक रिव्यू होगा। इसके बाद आराम से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि गाइस इसके ट्रेलर में बहुत कुछ है ब्रेक डाउन करने के लिए एंड बताने के लिए। व्हाट अ ट्रेलर, एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। अक्षय कुमार ने अपनी एक्टिंग का लोहा पूरे के पूरे ट्रेलर में जमा दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, उनके हाथ में जो हथौड़ा था उसका लोहा जिस तरह से इम्पैक्ट करता है विलन्स के ऊपर, वो इतना मजबूत है। अनिल अरासू का जो एक्शन है इतना रॉ और इतना यहाँ पे एकदम एड्रेनल रश देता है कि ट्रेलर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वन ऑफ अक्षय कुमार बेस्ट परफॉर्मेंसेस कहूंगा। काफी यूनिक लग रहा है। अक्षय कुमार इज लुकिंग कंप्लीटली चेंज इन अ वेरी डिफरेंट अवतार साजिद नडियाड वाला। ही इज नोन टू मेक फिल्म विच आर एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं साजिद नडियाड वाला। एंड गाइज, यहाँ पर एक और ग्रेट एंटरटेनिंग फिल्म लग रही है बच्चन पांडे। इतना ही नहीं, ये इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स कहूंगा मैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पूरे के पूरे ट्रेलर को कट किया गया है। एंड अक्षय कुमार नेवर सीन बिफोर अवतार मेक्स दिस ट्रेलर अ विनर। लेकिन गाइस क्या कहने हैं अरशद वारसी के भी। अरशद वारसी लुकिंग फैबुलस इन दिस ट्रेलर। जिस तरह से अरशद वारसी एंड कृति सैनन यहाँ पर एक फिल्म बनाने के लिए निकलते हैं, एंड कृति सैनन एक बड़ी डायरेक्टर रहती है, उनको फिल्म बनानी रहती है। यहाँ पर एक बहुत बड़े खूंखार गैंगस्टर जिसकी आंखें भी पत्थर की है, जो अपनी पत्थर की आंख निकाल कर गाड़ी के लोगों पर लगाता है, एंड जिस तरह से उसके बाद वो लोगों की धुलाई करता है, दिस फिल्म लुक्स रॉ, दिस फिल्म लुक्स एजी। एंड गाइस आपको कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वसीपुर की थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई देगी, क्योंकि गाइस इस फिल्म के एडिशनल डायलॉग्स जीशान कादरी ने भी लिखे हैं। यस फ्रेंड्स, डेफिनेट जो गैंग्स ऑफ वसीपुर में थे वो भी अलॉन्ग विद तुषार हीरानंदानी एज वेल एज फराज सामजी ने इस फिल्म को लिखा है। लेकिन इस पूरे के पूरे ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक है जो जूलियस पैकियम का, वो बहुत ही रोमांच पूर्वक है, बहुत ही मजा आता है। ऑल इन ऑल गाइज, जितने भी बच्चन पांडे के चमचे हैं, यानी कि अभिमन्यु सिंह बेवड़ा, हाँ उसके बाद संजय मिश्रा, एंड जिस तरह से यहाँ पर मीम्स को यूज किया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा एक स्टूडेंट का किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ हाथ लगाता है, वो वाला मीम काफी मजेदार लग रहा है। यहाँ पर 2-3 गालियां भी दी गई है, काफी रॉ लगा है। फराज सामजी एक्सेल्स। दिस इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ फराज सामजी टिपिकल मूवी। ऐसा लग रहा है कि फराज सामजी ने कुछ अलग ही चीज बना दी है। दिस फिल्म लुक्स रॉ, एक वाइब आती है ना, जो एक रॉ फिल्म की वाइब आती है वैसी लग रही है। कॉमेडी भी है भरपूर, एक्शन वायलेंस भी है। मैंने आपको कल ही कहा था कि मेले वाला जो सीन है जैकलिन फर्नांडिस अक्षय कुमार के बीच में, वो इस ट्रेलर में दिखाया जाएगा। एंड गाइस वो गाना जो इन्होंने हाल ही में शूट किया है फिल्म सिटी में, उसकी झलकियां भी है। एंड में आप जब अक्षय कुमार को देखते हो कहते हुए मुझे भाई नहीं गॉड फादर कहते हैं, ये वही गाना है जो अभी फिलहाल शूट हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस गाने को यहाँ पर प्ले करके उसकी ट्यून यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ऑल इन ऑल गाइस, जो लंबे ट्रेलर्स हैं उनका चलन यहाँ भी चलते आ रहा है। 3:41 का पूरा ट्रेलर है, बट अक्षय कुमार इज द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रेलर। अभी जाकर एनजी यानी नडियाड वाला ग्रैंडसन ट्रेलर देखिए गाइस, जहाँ पे साजिद नडियाड वाला हैज प्रोड्यूस अ मैसिव एंटरटेनिंग मूवी। अक्षय कुमार नेवर सीन बिफोर अवतार मोस्ट प्रॉमिसिंग ट्रेलर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स ऑफ 2022। ऑल इन ऑल गाइज, बच्चन पांडे का जो ट्रेलर है वो रॉ है, हार्ड हिटिंग है, एंटरटेनिंग है, एंड 18 मार्च को आपका पूरा का पूरा पैसा वसूल होगा। दैट्स अ गारंटी। आई गिव द बच्चन पांडे ट्रेलर 4/5 stars। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।